तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज बाबर ने 1526 में भारत में प्रवेश किया। उसने लोधियों को हरा के भारत में एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो 300 वर्षों तक चला। बाबर के तोपों के आगे बड़े से बड़े योद्धा ढेर होने लगे और सबसे मजबूत सेनाओं ने भी उसके सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। मगर एक शेर दिल, एक योद्धा ऐसा आया जिसने मुगल साम्राज्य और उसकी शाही सेना को पलट कर रख दिया, जिसने दिल्ली पे कब्जा कर सुर साम्राज्य की स्थापना की। उसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। वो हसन खान के बेटे थे, जिन्हें सासाराम और ख्वासपुर का इक्ता सिकंदर लोदी से मिला था। उन्हें 500 घुड़सवार योद्धाओं का बल रखने की भी इजाजत थी। अपने पिता के प्रभाव के कारण फरीद को अपनी किशोर अवस्था में ही भोजपुर, बक्सर और भभुआ का जागीदार बना दिया गया। मगर अपने सौतेले भाइयों और पिता से अनबन होने की वजह से फरीद ने अपनी जागीरों को छोड़ दिया और दक्षिण बिहार के नगर अध्यक्ष बहार खान लोहानी के अंदर काम करने लगे। इसी समय एक शिकार अभियान के दौरान एक बाघ ने बहार खान लोहानी पर हमला कर दिया, लेकिन फरीद खान ने बहार खान को बचा लिया और बाघ को अपने हाथों से मार गिराया। इस वीरता के लिए बहार खान ने फरीद खान को शेर खान का शीर्षक दे दिया और अपने बेटे का अंग रक्षक और युद्ध शिक्षक बना दिया। इस पदोन्नति से अन्य लोहानी सेना नायकों को ईर्ष्या होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप शेर खान को बिहार छोड़कर कहीं और नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उसी दौरान मुगलों ने लोधी सल्तनत को हरा के दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मगर इस कब्जे पर अपना हक बरकरार रखने के लिए और राजपूतों को रोकने के लिए बाबर ने अपनी शाही सेना की संख्या को बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया। इस मौके का फायदा उठा के शेर खान बाबर की सेना की टुकड़ी में शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने मुगलों की नई ताकत, तोपों और बंदूकों की रणनीति को भली भांति जान लिया। वे समझ गए कि तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल रक्षात्मक युद्ध नीति के तहत किया जाता है, आक्रमक युद्ध के लिए ये भारी तोपें बेकार हैं। इसके अलावा मुगलों की बंदूकें और तोपों को बार बार लोड करने में बहुत समय लगता है। इन शस्त्रों का सही इस्तेमाल के लिए दुश्मनों का मुगलों की तरफ आक्रमक होना जरूरी है। शेर खान ने मुगलों की सेना में जल्दी अपना दबदबा बना लिया और उन्हें शीघ्र ही सेना अध्यक्ष बना दिया गया। उन्हें चंदेरी की कूच के दौरान बहुत प्रसिद्धि भी मिली, मगर उनकी आंखों में सुल्तान बनने की चाहत थी और उनकी इस चाहत को बाबर एक नजर में पहचान गए और उसने शेर खान को मरवाने का फरमान जारी कर दिया। मगर बाबर के मंत्रियों ने बाबर को रोक लिया कि नजर में शेर खान एक छोटा सा सेना अध्यक्ष था जो वीर भी था। मगर शेर खान को अब खतरा महसूस होने लगा था और इस वजह से वो वापस बहार खान लोहानी के पास चले गए और उनके राज प्रतिनिधि बन गए। बहार खान के मरने के बाद 1528 में वो दक्षिण बिहार के अनौपचारिक राजा बन गए। उसी समय महमूद लोदी ने सारे अफगान सैन्य नेताओं को मुगलों के खिलाफ दिल्ली पे कूच करने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया, मगर लोदी के नेतृत्व में अफगान सेना विफल हो गई और 1532 में बाबर के बेटे हुमायूं ने लोदियों का नाम हिंदुस्तान से हमेशा के लिए मिटा दिया। लोदियों के बाद शेर खान अब अफगान योद्धाओं के सबसे प्रभावशाली नायक बन गए। इस वजह से कई अफगान सैनिकों ने उनकी सेना में शामिल होना शुरू कर दिया। शेर खान की बढ़ती ताकत मुगल सम्राट हुमायूं को खटकने लगी और उसने शेर खान के चुनार किले पर हमला कर दिया। मगर शेर खान एक कुशल योद्धा के अलावा बहुत बुद्धिमान भी थे।
इस वजह से इस कूच के दौरान उन्होंने हुमायूं को सम्राट मान लिया और अपने आप को मुगलों का वफादार घोषित कर दिया। मगर चुपके चुपके वो अपनी सेना को बढ़ाते रहे और मौके का इंतजार करने लगे। और 1538 में जहां हुमायूं का ध्यान शेर खान से हटा, शेर खान ने बिना हुमायूं की इजाजत के बंगाल पर आक्रमण कर उस पे कब्जा कर लिया। इस खबर ने हुमायूं को हिला दिया। उस समय वो राजपूतों से युद्ध में व्यस्त थे। इस कार्य को खत्म करने के बाद हुमायूं 1548 में एक महान सेना के साथ बंगाल की तरफ निकल पड़े। जहां शेर खान को हुमायूं और उसकी महान सेना के बारे में पता चला, वो अपनी सेना के साथ चौसा जिले के तरफ निकल पड़े, जो कि उनका इलाका था। साथ ही साथ उन्होंने सारे आपूर्ति रास्तों पर पहरा लगाना शुरू कर दिया। चौसा दिल्ली से बहुत दूर था और आपूर्ति रास्तों के बंद करने से मुगलों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती थी। दोनों सेनाओं ने आमने सामने आने के बाद अपने अपने शिविर लगा लिए। शेर खान मुगलों पे सामने से आक्रमण नहीं करना चाहते थे, ऐसा करने पे वो मुगलों की तोपों के आगे आ जाते। दूसरी तरफ मुगल अपनी भारी तोपों और बंदूकों के साथ आक्रमण नहीं हो सकते थे। जैसे कि आपको पहले बताया था, तोपें और बंदूकें रक्षात्मक लड़ाइयों के लिए ज्यादा कारगर थी। इस वजह से 2 महीने तक दोनों की सेना अपनी अपनी जगह पे डटी रही, जिसके बाद हुमायूं की सेना को पानी और खाने की कमी महसूस होने लगी। और क्योंकि आपूर्ति रास्ते शेर खान के द्वारा बंद थे, हुमायूं ने संधि की बात छेड़ दी। शेर खान ने तुरंत ही इस बात पर हामी भर दी और हुमायूं को विश्वास दिला दिया कि वो उसके वफादार हैं। इस संधि के बाद बंगाल को शेर खान को सौंप दिया गया और शेर खान ने फिर से हुमायूं को अपना बादशाह मान लिया। इस संधि के दौरान हुमायूं ने शेर खान को पीछे हटने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उनके अनुसार मुगल पीठ कभी नहीं दिखाते। शेर खान ने मान लिया और वो अपनी हार स्वीकार करके पीछे हट गए। हुमायूं ने मुगलों को फिर एक जीत दिला दी, वो भी बिना लड़े। उस रात हुमायूं ने जीत की खुशी में जीत उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। उनके शिविर में देर रात तक जश्न मनाया गया। नाच गाना और शराब देर रात तक चली। मगर हुमायूं को ये नहीं पता था कि पीछे हटना शेर खान की एक चाल है। उसके गुप्तचर हुमायूं के शिविर पे नजर गड़ा के बैठे हुए थे और जहां उन्होंने देखा कि मुगल सैनिक अपने पदों पर स्थित नहीं है और उन्होंने अपनी तोपों से घेराबंदी नहीं कर रखी, शेर खान को एक मौका मिल गया और उन्होंने आक्रमण का संकेत दे दिया। शेर खान की सेना ने मुगलों के शिविर में घुसकर तराही तराही मचा दी। मुगल अपनी तोपों और बंदूकों के साथ रक्षात्मक युद्ध नहीं कर पाए और उनकी सेना आसानी से अफगान योद्धाओं के आगे हारने लगी। हुमायूं को बाल बाल बचा के उसके अंगरक्षक उसको आगरा की ओर ले चले। शेर खान ने इस तरीके से मुगलों को हार का स्वाद चखा लिया। मगर 9 महीने बाद हुमायूं फिर से एक बड़ी सेना लेकर शेर खान से बदला लेने के लिए चल पड़ा। दोनों की सेनाएं इस बार बिलग्राम में मिली। शेर खान ने फिर से रणनीति का उपयोग करते हुए ऊंचाई वाली जगह पर अपनी सेना को तैनात कर दिया, जिससे कि मुगलों की तोपों को चढ़ाने में कठिनाई हो। इसके अलावा वो एक बारिश का मौसम था और बारिश होने के बाद कीचड़ होने के कारण नीचे स्थित सेना को ज्यादा परेशानी होती, और वही हुआ। बारिश होने लगी और मुगलों की परेशानी बढ़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंत में हुमायूं ने अपनी सेना को शेर खान की सेना के विपरीत पहाड़ी पर जाने का निर्देश कर दिया और जैसे ही मुगलों की सेना मुड़ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, उनका गठन टूटने लगा और ये देखते ही शेर खान ने फिर से आक्रमण का संकेत दे दिया। मुगलों की तोपें फिर किसी काम नहीं आई और मुगलों की सेना फिर से टूटने लगी। हुमायूं फिर भाग खड़ा हुआ। वो अब एक बादशाह तो था, मगर बिना किसी सेना के। उसके बाद शेर खान दिल्ली और आगरा की तरफ बढ़े और उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और आधे भारतीय उपमहाद्वीप के सम्राट बन गए। अब वो शेर खान से शेर शाह सूरी कहलाने जाने लगे।